और बता रहा हूँ मैं आपको, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे आदित्यनाथ योगी जी, और यहाँ पर ठीक सामने आप देख सकते हैं बीजेपी के भी समर्थक हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं ट्रैक्टर वगैरह लेकर के, लेकिन ठीक सामने यहाँ पर कार्यालय है राष्ट्रीय लोकदल का, आप देख सकते हैं, कैमरामैन पर्सन को बोलूँगा, और जो भी बीजेपी का यहाँ से निकल रहा है तो ये किलकियाँ वगैरह मार रहे हैं और कुछ हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं, और ठीक आप देख सकते हैं सामने ही दो लड़के सड़क पर खड़े हैं जो डंडा ले हुए खड़े हैं, ऐसे शरारती तत्वों को आप देख सकते हैं कि जो माहौल ख़राब करते हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, देखिए अभी बीजेपी वाले पीछे खड़े हैं ट्रैक्टर, और यहाँ पर माहौल कुछ भी ख़राब हो सकता है। ये देख लीजिएगा, ये भैया डंडा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। हाँ भैया, ये डंडा क्यों ले रहे हैं आप? हैं? ये डंडा क्यों ले रहे हैं? टूट गया इसका ट्रॉली का, मेरी ट्रॉली का। हाँ, अरे आप तो यहाँ खड़े हैं, ये डंडा लगेगा इसमें, झंडा गठबंधन ही जीतेगा अब की बार। चलिए कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। मारम अब क्या अखिलेश यादव जीतेगा, चौधरी चरण सिंह जीतेगा, जैन चौधरी जीतेगा, ठीक है? जो चाह पी रहे ना हम, वो चाह हासिल होगी। नाम क्या है? नाम हमारा नाम सुहेल है। सुहेल, उम्र कितनी है? 25 साल? नहीं, 12 साल। बताइए। 18 साल का लौंडा। 18 साल का? 18 साल का। वोट बन गया? नहीं भाई, बन नहीं। सबकी सुनिए, वोट हमारी नहीं बनी। सुनिए, हम अपने भाइयों के ऊपर कूद रहे, अपने भाइयों के ऊपर वोट नहीं, सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से जब सुनिए, यहाँ से जब बीजेपी वाले निकलते हैं तो किलकिया क्यों मारते हैं ये बताइए। धक्का नहीं मारना भैया, हमें 2 साल की वोट बन गई है। कोई बात नहीं, ये देख लीजिएगा। हाँ जी, नाम क्या है जी आपका? मुरसलील कसार जी। अच्छा, देखिए बीजेपी का आज योगी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, जैसे ही मैंने देखा कि बीजेपी के जो ट्रैक्टर है निकल रहे हैं तो किलकिया मार रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं, पहले वो लोग उकसा रहे योगी जी का आना, ये नहीं है योगी जी का, तो भाई एक ही नारा, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, विकास का कोई मामला नहीं। और फिर यहाँ पब्लिक बाहर के लोग आ रहे थे, लोकल के लोग मिले आपको यहाँ? लोकल के कितने लोग मिले यहाँ? लोकल के कितने लोग मिले यहाँ बताओ आप भाई? ये यहाँ कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल का, तो जो लोग यहाँ से जा रहे हैं आराम से जाए, पहले वो लोग नारे लगा रहे, ये भी अपनी पार्टी के नारे। अभी दो लड़के यहाँ पर बीच चौराहे में दो डंडे लेकर खड़े थे, ऐसा करना गलत है, सही है? ये गलत बात है, पार्टी है अपनी, पार्टी का नारा लगा जा। बिल्कुल, कोई भी पार्टी है अपने लिए, गलत बात नहीं करनी चाहिए। वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मतलब एक माहौल को खराब ना किया, माहौल नहीं खराब करना चाहिए। जिसका जहां मन है वो वोट वहां देगा। हम अपनी पार्टी का प्रचार करें, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी गठबंधन का, वो लोग अपनी का, सबको अधिकार है देश में, वो अपना अपना, हर आदमी अपना जो जिसको चाहता है उसके लिए करेगा। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, हम चाहते हैं जैसे कोई भी निकले यहाँ से, चाहे आपका समर्थक है कोई भी है, कि आपसी तालमेल खराब ना हो, किसी को देख करके हुड़दंगबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? अपनी पार्टी का नारा लगाओ, इधर हो गए। हाँ, इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा कस्बा खराब, अपनी पार्टी बदनाम हो जाता है, कमेंट ना करे कोई, बस ठीक है, अपनी पार्टी के लिए करें, ये बात है। चलिए थोड़ा बात निकल बेटा, आपकी वोट नहीं बनी है, आप उम्र बनी भाई, वोट पढ़ना बनी हो। अगर जो हमारे भाई है हिंदू मुस्लिम जो बने, हम उनके ऊपर कूद रहे, हम किसी के ऊपर नहीं कूद रहे। अखिलेश यादव जीतेगा, आपका जीतेगा तो जीतेगा भाई, हमारी वोट नहीं बनी, सपोर्ट बन गई है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा बाहर आ जाए।